आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टेस्टी मालपुए की रेसिपी। बहुत ही कम सामान और कम समय में बनने वाली मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल कविताज क्रिएटिव क्रिएशंस पर। मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम मालपुए के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे एक बर्तन रखेंगे और इसमें डालेंगे एक कप चीनी, साथ ही साथ इसमें डालेंगे आधा कप पानी। चम्मच की मदद से दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर चाशनी को पकने देंगे। बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये तले में लग ना जाए। चाशनी को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए और हल्की सी एक तार आने लगे इतना ही हमें इसे पकाना है। चाशनी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। मैंने एक इलायची को कूट लिया था जो इसमें डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें डालेंगे एक पिंच पीसी केसर। आप चाहें तो इसमें पीला फूड कलर भी डाल सकते हैं। चाशनी बनके तैयार हो चुकी है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब मालपुए बनाने के लिए ये मेरे पास 2 से 3 दिन की फ्रेश मलाई है, इसमें से 1 कप मलाई मैं ले रही हूँ। मलाई को चम्मच की मदद से इस तरह से चला लेंगे ताकि ये थोड़ी ढीली हो जाए। आप देखेंगे कि ये कितनी क्रीमी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा। अब दोनों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे की मात्रा आप ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने आटा और मलाई को इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। दूध को आटे और मलाई में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। इस तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। घोल थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा दूध मैं इसमें और डालूंगी। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमें सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। घोल हमारा लग के तैयार हो चुका है। मालपुआ बनाने के लिए ऐसा घोल एकदम परफेक्ट रहेगा। अब हम गैस पे तवा रखेंगे। तवा को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और इस तरह से घोल को हिलाते हुए हम इस पे डाल देंगे। घोल को हमें तवे पर फैलाना नहीं है, बस इस तरह से डालना है, ये अपने आप ही फैलता जाएगा। इसी तरह से बाकी के मालपुए भी हम डाल लेंगे। एक बार में कम से कम 4 से 5 मालपुए बनके तैयार हो जाते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। ध्यान रहे कि हमें तवे को तेल या घी से ग्रीस नहीं करना है। ये जो हमारे मालपुए हैं बिना घी के और तेल के ही बन जाएंगे। मालपुए एक तरफ से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। सारे मालपुए अच्छे से सिक चुके हैं, अब एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। सभी मालपुए को हम एक एक करके चाशनी में डाल देंगे। अब चम्मच की मदद से मालपुए को चाशनी में अच्छे से डुबो देना है। अब 5 से 10 मिनट हम मालपुए को चाशनी में ऐसे ही रहने देंगे। मालपुए को चाशनी में डूबे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब एक एक करके सारे मालपुए हम प्लेट में निकाल लेंगे। सारे मालपुए मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें थोड़े बादाम और पिस्ता से सजा देंगे। ये तैयार है हमारे टेस्टी मालपुआ की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।